में अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा, सभी तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करो। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं और जब उनकी पार्टी केंद्र करती, हम तो 10 के बाद से शुरू किए होते लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कितने भी कोशिश किए थे, लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है आप जानते हैं, कैसे अपना हाल सब बदल गया। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, 5 नवम्बर में, तो जो कितना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना, कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था, सुनिए ना, सब कुछ किया गया। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा, सभी तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करो। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कही दिए थे कि एक चीज का तो शुरू हो गया।